हमारे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। उनकी जैसी शख्सियात अब गिनी चुनी रह गई हैं। इतने बड़े भारतवर्ष में बहुत कम लोग हैं जो सवाल पूछते हैं, बहुत कम लोग हैं जवाब की बात करते हैं। और यही वजह है कि अब तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो ज्यादातर एक आध को छोड़ करके वो किसी और का हो चुका है। इसीलिए इंटरनेट का सहारा लिया गया है कि अपनी बात को पहुंचाने के लिए उसके अलावा कोई जरिया नहीं है। विनोद ध्वा साहब हक के लंबरदार हैं, विनोद ध्वा साहब आईना दिखाते हैं, विनोद ध्वा साहब सच्चाई की बात करते हैं। विनोद ध्वा साहब को खरीदने की इससे पहले कोशिशें हुई हैं और हमें जर्नलिस्ट साथियों से पता चलता रहता है, उन्होंने उनके बारे में इससे पहले बताया है। उनको तो नहीं पता होगा कि उनके दुनिया में कतर में और हिंदुस्तान में हो सकता है उनको अंदाजा ना हो, लेकिन वो जब इस तरह से पब्लिक डोमेन में आते हैं और लोगों के दरमियान आते हैं तब उनको पता चलता है कि लोग उनके उनके विचारों के और उनके कामों की कितनी सराहना करते हैं, उनके कितने आशिक हैं। विनोद ध्वा साहब आज सर आप कल कह रहे थे कि मैं कुछ संजीदा गुफ्तगू करना चाह रहा था, मैं कहना चाहूंगा कि आज उसका पूरा मौका है कि आप पूरी संजीदा गुफ्तगू फरमाएं। आज आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे, आप जो भी अपनी बातों को रखना चाहते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा और हमारे पास इंशाल्लाह वक्त रहेगा तो हम आज मैम को भी सुनेंगे। बहुत अच्छा गाते भी हैं वो भी, प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा जैसे उनके प्रोग्राम का होता है इस प्रोग्राम का भी इंशाल्लाह आखिरी हिस्सा होगा। मैं 10 वर्ष तक गुजारिश करूंगा इस शेर के साथ कि वो आए बज़्म में इतना तुमीर ने देखा फिर उसके बाद चराग़ों में रोशनी ना रही। मैं मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं क्या कह रहा हूं। मुझे एक रास्ते में बात हो रही थी खालिद साहब से, कल भी जिक्र हुआ था कि जो हमारी माइनॉरिटीज हैं उनका हमारे मुल्क में अब मुस्तकबिल क्या है। मैं कोई लेक्चर या स्पीच तैयार करके नहीं लाया हूँ, जो मुझे महसूस होता है मैं वही बातें आपसे कहूँगा। पहली बात तो ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम है मुस्तनसर हुसैन तारड़। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब जो हैं पाकिस्तान के बहुत जाने पहचाने नॉवेलिस्ट हैं, तो उनका द डॉन में एक कॉलम भी चलता है डायरी ऑफ अ वैगाबॉन्ड, घूमते फिरते पहुंचते तो ट्रेवलॉग से होते हैं उस तरह से। दिल्ली आए, मुलाकात हुई, जैसे कि मैं हमेशा हर को कहता हूं कि जिनको हम जैसे लोगों को पाकिस्तान भेजने की चलती है कि जाओ पाकिस्तान जाओ, मैं तो मेरे परिवार मेरा पूरा खानदान मेरे पुरखे वो तो हैं ही उस जगह से जिसको आप पाकिस्तान कहते हैं, डेरा इस्माइल खान, दरिया सिंध के उस पार, वजीरिस्तान साउथ वजीरिस्तान का हिस्सा। मैं पहली पीढ़ी हूँ जो मैं दिल्ली में पैदा हुआ हूँ, मैं खाता वही हूँ, बोलता वही हूँ, पहनता वही हूँ, मेरे सारे एहसासात वही हैं। मैं बचपन से ही डेरा इस्माइल खान के किस्से सुन के बड़ा हुआ हूँ, तो मुझे आप ज़रूर भेजिए, मैं तो बहुत खुश होऊंगा। मेरे नाना, मेरे नानी, मेरे दादा दादी, मेरे वालिद साहब, मेरी माँ, मेरे जितने भी चचा मामा ताया हाँ बुआ, सब डेरा इस्माइल खान से पूरा का पूरा कुनबा हमारा लंबा चौड़ा सब डेरा इस्माइल खान से, वो पाकिस्तान में। अब क्योंकि मैं बिरयानी खाता हूँ इसलिए कहा जाए कि तुम पाकिस्तान जाओ, तो एक तो लॉजिक समझ में नहीं आता, ये लॉजिक क्या है, ये सोच क्या है। इस पर जब दिमाग लगाया कि लॉजिक क्या है, ये सोच क्या है, जब मैं शलवार कमीज पहनता हूँ तो मैं कोई पाकिस्तानी पोशाक नहीं पहन रहा होता हूँ। हमारे बड़े बुजुर्गों की पोशाक ही शुरू से सलवार कमीज रही है और हमें तो शिकायत है कि पंजाबियों ने हमारी पोशाक हथिया ली पाकिस्तानी पंजाबियों ने और अब हिंदुस्तान में भी उसका चलन हो गया। तो मैंने अपने एक दोस्त थे मेरे मरहूम आज़म खान साहब, तो हम इस्लामाबाद में घूम रहे थे,
तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये शलवार कमीज तो हमारी पोशाक है फ्रंटियर वालों की, पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहलाता था, पख्तूनख्वा कहलाता है। तो ये आप लोगों का तो पंजाबियों का तो तहमत होता है, लाचा होता है, कुर्ता चादरा बोलते हैं वो होता है, पजामा होता है, आप लोग ये शलवार कमीज में कैसे आते हैं? तो वो बोले कि जब पाकिस्तान नया नया बना तो लोगों ने सरमाया लगाना शुरू किया, काफ़ी सरमाया आया, अभी नए नए रेस्टोरेंट बने, होटल बने, सब कुछ उधर से भी लोग आए जो हिंदुस्तान है। तो हम लोग नहीं चाहते थे कि हमारे होटलों में, हमारे फाइव स्टार्स में लोग तहमत बांध कर या लाचा बांध कर या लुंगी पहन कर या कुर्ता चादरा पहन कर ऐसे होटलों में आए। लिहाजा शलवार कमीज को एक, जैसे हमारे यहाँ धोती की कोशिश है कि धोती को एक वो दिया जाए कि हाँ नेशनल ड्रेस, तो उसको मिल्ली सूट बना लिया गया शलवार कमीज को। और जो पेशावरी चप्पल हम पहनते हैं, पेशावर जहाँ मेरे वालिद साहब की तालीम हुई, पेशावरी चप्पल को मिल्ली चप्पल बना दिया गया। तो मैंने कहा वो बड़ी अच्छी बात है। तो मैंने कहा लेकिन बात तो यहाँ रुकी नहीं, यहाँ तो अलामतें जो हैं, जो पहचान जो है, वो तो बहुत ज़्यादा बात आगे बढ़ गई है। मेरी बीवी हिंदू है क्योंकि वो साड़ी पहन रही है और बिंदी लगाती है, हैं इकबाल बानो ने तो बहुत गलती करी थी जो ज़ियाउल हक के वक्त में इस्लामाबाद के स्टेडियम में 50,000 लोगों के सामने गाया था, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, क्यों? क्योंकि साड़ी पहन कर दी गई थी। मतलब साड़ी भी हिंदू है, बिंदी भी हिंदू है, खीर भी हिंदू है, हाँ। तो ये अलामतें जो हैं, चाहे वो पहचान की अलामत, आपके चेहरे की अलामतें, सिक्खी की अलामतें कि 5 क होने होते हैं, उसमें कड़ा भी है, उसमें कंगा भी है, उसमें केश भी है, हाँ, ये अलामतें जो दी गई हैं मजहब के जरिए। तो मैंने कहा ये तो वही बात हो गई कि आप तो मुझे हिंदू बनाकर छोड़ेंगे, मुझे तो कभी नहीं मालूम था कि मतलब मैं हिंदू हूँ। तो मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने, इनका ये जिक्र शुरू हुआ, एक किताब लिखी दिल्ली सिटी ऑफ द गोल्डन आवल, क्योंकि हजरत निजामुद्दीन साहब की जहाँ दरगाह है दिल्ली में, उसके नज़दीक अगर आप दूधी रोड जाएँ जो दिल्ली से वाकिफ है, तो बाएँ हाथ पे एक छोटा सा वो बना हुआ है जगह, अब वो लोधी के वक्त का है या उनके बाद मुगलों के वक्त का है मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ एक उल्लू रहता था कुछ साल पहले तक जब तारक साहब आए थे, जिसका रंग सुनहरी सा था। तो ऐसे उल्लू अमूमन कम देखने को मिलते हैं, तो वो अक्सर उड़ के जाता था गोल्फ कोर्स की तरफ, जो गोल्फ क्लब है उसकी तरफ। तो तारक साहब से बात होती तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा भैया, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सिटी दिल्ली सिटी ऑफ द गोल्डन आवल कह के, उसमें उन्होंने मेरा जिक्र किया, इनका जिक्र किया कि विनोद मजहब से हैं तो हिंदू लेकिन आदतों से मुसलमान हैं। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे समझाएंगे मेरी ऐसी कौन सी आदतें हैं या मुसलमानों की ऐसी कौन सी आदतें होती हैं जो उन्हें मुसलमान बनाती हैं, हैं, पर हमारी ऐसी कौन सी आदतें होती हैं, हमारे कौन से लाइफ स्टाइल होते हैं, जीवन जीने का तरीका होता है जो हमें हिंदू बनाता है, हमने तो बचपन से कभी सोचा भी नहीं था, हम तो इंडियन कहते आए हैं अपने आप को, भारतीय कहते आए हैं अपने आप को। उसी में ही मैं 5 वक्त की नमाज अदा नहीं करता हूँ या मैं चर्च नहीं जाता हूँ, तो मेरी एक किताब नहीं है, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब हो, चाहे वो कुरान शरीफ हो, चाहे वो जिंदा अवस्था हो, चाहे वो बाइबल हो, तो इसी वजह से मैं हिंदू कहलाता हूँ। वो एक शेर है, ये मेरे जुनू का है मौजज़ा, जहाँ मैंने सर को झुका दिया वहीं मैंने काबा बना दिया। हम तो उस तरह के लोग रहे हैं, हमारी परवरिश वही रही है कि कहीं पर भी हमने माथा टेक दिया, कहीं पर भी सजदा कर लिया। अभी हम बता रहे थे खालिद साहब को रास्ते में, मेरी वाइफ हमारे घर में ये पूजा पाठ में यकीन रखती हैं, मैं मुझे हौसला मिलता है, मुझे अपने बड़े बुजुर्गों से मिलता है, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो हजरत निज़ामुद्दीन औलिया साहब, चाहे वो साईं बाबा हो, चाहे वो हजरत सलीम चिश्ती साहब हो, फिर जो हमने जो देवता देवी बना रखे हैं, मालूम है हमें कि हमने बनाए हैं,
लेकिन ये सोच कर बनाए हैं कि हर एक की कुछ ना कुछ ऐसी बात है कि हमें उस तरह का हौसला मिलता है कि जैसे शुरुआत करनी है तो शुरुआत अच्छी हो, तो गणेश जी एक बना रखे हैं हमने। जब हम बहुत खतरे में महसूस करें तो एक प्री एरियन आर्यो के आने से पहले के जो दो डेटीज हैं हमारे पैंथियॉन में, एक शिव है और एक काली है, हमने उनको जगह दे रखी है वहाँ पर कि वो हमारी हिफाजत करना। जब हमें देखना होता है कि जो इंसान बनकर जमीन पर आए और उनके होने से लोगों को हौसला मिला, सुकून मिला, ताकत मिली, चाहे वो गुरु नानक हों, चाहे वो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया साहब हों, शिरडी वाले साहिब बाबा, कोई भी हो, वो इंसान बच्चे की तरह पैदा हुए, फिर बड़े हुए, बुजुर्ग हुए और फिर चले गए, तो हमें तो उनसे भी मतलब हमारा माता झुकता है, वो सजदा करने को दिल करता है। जहाँ जहाँ से जो जो हमें सुकून मिलता है, हौसला मिलता है, ताकत मिलती है, वही हमारा खुदा है, वही हमारा भगवान है, वही हमारा मतलब ये इस इकट्ठ में जो आज मुझे हौसला मिल रहा है, मुझे नहीं यकीन था, मुझे वाकई नहीं मन भरता था, आपने कहा कि मैं अगर कुछ बोलूँगा तो उसका इतना असर इतने ज़्यादा लोगों पर होता होगा बाहर जो रह रहे हैं, मुझे नहीं यकीन था, तो इससे मेरा हौसला बढ़ता है। अब मैं इस मैं आपको कौन से भगवान का नाम दूं या क्या कहूं, मतलब जहां से सुकून मिले, हौसला मिले, हिम्मत मिले, ताकत मिले, जिंदगी को लेकर अकीदा बना रहे और उम्मीद कायम रहे, हमेशा अच्छे की एक उम्मीद हो कि हमारे हाथों से काम भी अच्छे हो जाए, जहां से भी मिल जाए, चाहे वो ये क्यों ना हो, मतलब तो ये भी भगवान हम आए हैं कुछ अरसे के लिए इस ज़मीन पर, और वो अरसा बहुत कम है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पहले 14-15 साल तो बड़े होने में बीत जाते हैं, 16 साल तक, जब तक हम बड़े होते हैं कि पूरी ताकत और फिजिकल जो भी है वो कुव्वतें आती हैं, मतलब तब हमारी एपिटाइट्स शुरू हो जाती हैं। एपिटाइट से मेरा मतलब जिस्मानी हमारी जो ज़रूरतें होती हैं, ज़रूरियात, वो शुरू हो जाती हैं, जिसमें खाना भी शामिल है, जिसमें सेक्स भी शामिल है, जिसमें बहुत कुछ और भी शामिल है, ये भी शामिल है कि लोगों से अपने आप को मनवाया जाए। अब ये समझ बहुत बाद में आती है, क्यों इतना टाइम वेस्ट किया मनवाने में कि लोग मुझे माने कि मैं कुछ हूँ, ये बहुत बाद में समझ आता है। बहरहाल फिर वही वक्त होता है जो हमारे पुरखे जो रास्ता तय कर गए हमारे लिए, उस रास्ते पर चलने का, शादी भी होनी होती है, फिर बच्चे भी होने होते हैं, हाँ, फिर उनकी तालीम, रोजी रोटी के जो मसले होते हैं, मसाइल होते हैं, वो होते हैं। तो जब तक हम 65 की उम्र तक पहुँचते हैं, जब तक समझ में आता है कि ये कायनात है क्या, ये सब है क्या, हम एक सिर्फ एक प्लेनेट हैं, हमारे जैसे करोड़ों हैं, वो जैसे अल्लामा इकबाल ने फरमाया है, ये मौज नफस क्या है, तलवार है, ये मौजे नफस क्या है, तलवार है, खुदी क्या है, तलवार की धार है, समझता है तू राज है जिंदगी, फकत ज़ौक परवाज है जिंदगी, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है। अब ये दो लाइनें मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है कि जैसे फलक पूरा ब्रह्मांड है, जिसे बोलते यूनिवर्स, सिर्फ आसमान तक महदूद नहीं है ये जो हमें दिख रहा है नीले रंग का, खुदी का नशेमन तेरे दिल में है कि जैसे फलक आंख के तिल में है। अगर मैं जब देखता हूँ फलक की कोई तस्वीर देखता हूँ, नासा की कोई इमेज देखता हूँ, तो मैं मुझे धरती जमीन नजर नहीं आती, दिखती भी है तो बहुत छोटा सा, एक ऐसा तिल छोटा सा होगा, उस पर इतने सारे वो मालिक हैं, उस पर इतने सारे लोग रहते हैं, वो भी जातियों में, धर्मों में, सब में अपने अपने बटे हुए हैं, उसमें मैं कहाँ हूँ, मेरा शहर कहाँ है, मेरा मोहल्ला, मेरा घर कहाँ है, मेरी पसंद की जो जगह है, मैं लॉन में जाकर बैठूँ, वो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मिट्टी का एक मतलब जो जैसे दर्रा होते हैं, मैं वो भी नहीं, लेकिन मैं ही वही हूँ जिसने इस पूरे फलक को अपनी आँख के तिल में उतारा है, इस कागज पर उतारा है, इसकी इमेजरी मैंने एक नासा के जरिए या किसी सैटेलाइट के जरिए
मैंने ही उतारी है वो। तो ये तो हम पर मुनस्सर है कि हम खुद को क्या मानते हैं, क्या सोचते हैं, क्या जानते हैं। हमारा शिकायत हमारी ये है, मैं बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड बोल रहा हूँ, सब जैसे जैसे आ रहा है मेरे जहन में मैं बोल रहा हूँ। हमारी शिकायत सबसे बड़ी यही है कि जब तक हमें ये समझ आनी शुरू होती है कि ये पूरी जमीन क्या है, सरजमीन क्या है, हम कौन हैं, कैसे हैं, कितने किस्म के यहाँ पर लोग रहते हैं, कितने किस्म के यहाँ पर जानवर हैं, पंछी हैं, और लोग हैं, जिंदगी की और किस्में हैं, और हम सब बहुत कम वक्त के लिए यहाँ पर आए हैं। जब तक ये समझ में आना शुरू होता है तब तक सूटकेस पैक करने का वक्त भी आ जाता है, और जो आखिरी साल होते हैं वो जरूरी नहीं कि वैसे हों जैसे 20 साल या 25 या 30 साल की उम्र रही है। तो हमारी शिकायत तो ये है कि दिस लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी टेकन सीरियसली, दैट इज व्हाई वी डोंट टेक इट सीरियसली। इसलिए हमें लगता है कि इतना ही काफी है कि अपना जो रकबा है, चाहे वो सियासी रकबा हो, चाहे वो मजहबी हो, चाहे वो पहचान का हो, चाहे वो औरों पर पावर का हो, हाँ, इसी को ही बढ़ाते जाओ, बस यही है जिंदगी का मतलब। क्यों? लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी टेकन सीरियसली। और दूसरे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन हम क्रिएशन है कुदरत की, सबसे बेहतरीन हम ही हैं। आफ्टर ऑल हम बेशक कहते रहे कि भगवान ने हमें बताया या अल्लाह ताला ने हमें बताया या अकाल पुरुष ने बताया या गॉड ने बताया है कि ये सब ऐसे ऐसे है, जो भी हमारी नॉलेज है, जितनी भी हमारी जानकारी है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, जिस चीज को लेकर भी हो, वो है तो इंसानी दिमाग की पैदाइश। अगर ये इंसानी दिमाग ना होता तो ये सारी नॉलेज, सारा ज्ञान, ये कहाँ घोड़ों के दिमाग से तो आ नहीं सकता था। आज के घोड़े का दिमाग वैसे ही है जैसे 15,000 साल पहले के घोड़े का था, आज की चींटी का दिमाग वैसे ही है जितना 20,000 साल पहले की चींटी का था। कोई उस ढंग का तो है नहीं कि मतलब रीजनिंग की पावर हो या रीजन कर सके, सवाल पूछ सके, फिर जवाब ढूंढ सके। तो एक इतनी उम्दा चीज बनाई कुदरत ने, कायनात ने, जो सोच भी सकती है, सवाल भी कर सकती है, जिसमें हिम्मत भी है, हौसला भी है, जिसने सब कुछ बना दिया उठा के, पूरी दुनिया चाहे चवन्नी की या ठन्नी की जैसी भी है, एक दुनिया बना दी जिसमें औरतों को पीछे इधर रख दिया, बच्चों को उधर रख दिया, हाँ, जिसमें खासकर हमारे मुल्क में तो, हिंदुस्तान में तो जातियों में बांट दिया, खासकर हिंदुओं में कास्ट सिस्टम जो है उसमें बांट दिया। जैसा भी है चलिए, फिर भी बेहतरीन प्रोडक्ट जो है कुदरत का वो हम ही हैं। और बेहतरीन प्रोडक्ट को बनाने के लिए इस तरह का माल इस्तेमाल किया जो 60-65 साल की उम्र में, जिसमें हड्डियां भी बढ़नी शुरू हो जाए, थोड़े और भी मतलब सोचने की या तो ताकत कम हो जाए या फिर जिद आ जाए कि नहीं, हम जो सोच रहे हैं सही सोच रहे हैं, या हमारे पुरखों ने जो बताया वही सही था, सवाल पूछने की हमें हिम्मत या कुव्वत कम हो जाए। तो एक शिकायत तो हमारी कुदरत से ही है, अगर है तो उस पर भी पार पाना हमें ही आएगा, उसके भी रास्ते हमें निकालेंगे। जब तक तो इतना काफी था कि भाई 10,000 में से 9,999 लड़कियां चाहती हैं कि जितनी जल्दी शादी हो जाए, घर बस जाए, हाँ, बच्चे हों, और 10,000 में से 9,999 नौजवान चाहते हैं कि हाँ अच्छी नौकरी हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हों, अपने परिवार, तब तक तो ठीक था। लेकिन अब जिन सवालात से हम जूझ रहे हैं पूरी दुनिया, जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज भी बन गई है, हर एक को हर एक के बारे में सब कुछ मालूम है, कोई ऐसा ज्ञान नहीं है जो किताबों में छुपा हुआ है या सिर्फ किसी ब्राह्मण के पास है या सिर्फ किसी मौलाना के पास है या सिर्फ किसी ग्रंथी या रागी या पाठी के पास है या सिर्फ किसी बिशप के पास है, सब कुछ मुहैया है। जब सब कुछ मुहैया हो तो फिर मुश्किलात भी बढ़ जाती हैं, फिर लोग अपने हुकूक की लड़ाई भी लड़ते हैं, अपने हक भी मांगते हैं। तो ऐसे में ये 60-65-70 साल की उम्र काफी नहीं है।
तो हमें इफ मैनकाइंड इज टू बी सेव्ड मैन मस्ट सेव हिमसेल्फ, और कोई नहीं बचाने आएगा, ना चींटी आएगी, ना घोड़ा आएगा, ना हाथी आएगा, ना कोई पंछी आएगा, बाकी भगवान हमने बनाए हैं, तस्वूर ये हमने रखा है, हमारा ये मानना है। तो अब हम लंबा कैसे जिए, लंबा जीना शुरू कर दिए हैं हम 1947 की जब बात जब तकसीम हुई थी तब एवरेज एज थी 37 साल, और दिल्ली के उस इलाके में जो जिसे अब दिल्ली कहते हैं तब वो इतना बसा हुआ भी नहीं था, और यूपी बिहार ये जो सारे इलाके थे तब एवरेज एज थी मेरे ख्याल 26 साल के करीब थी। आज हम 80 तक तो पहुंच गए हैं, 70, 75, 80 तक हम जी लेते हैं, लेकिन जो समस्या है वो लंबी उम्र की नहीं है। लॉन्जिविटी इज नॉट एन इश्यू नाउ, हाउ टू फाइट द प्रोसेस ऑफ एजिंग, असली इश्यू अब ये है कि अब एजिंग जो हमारी होती है, जो हम बुजुर्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए। मतलब मैं नहीं चाहूंगा, मैं 65 साल का हूं, मैं मानकर चलो मेरे सामने 15-20 साल और होंगे, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि मेरे आखिरी 5-7 साल व्हीलचेयर में बीते। मैं चलते फिरते जाना चाहूंगा, हर कोई चाहेगा, तो उसके लिए फिर क्या किया जाए। पहले तो दिमाग को साफ किया जाए। अब दिमाग को साफ करने के लिए जो जाले लगे हुए हैं सदियों पुराने, अनगिनत सदियों के तारीख बनी माना तिलिस्म, रेशमों कमसों कम खौर में चुनवाए हुए, फैसा लिखे हैं साहिब, उनको साफ करना है पहले। उसको साफ करने के लिए क्या एक पीढ़ी काफी है हमारी? मुझे समझ में नहीं आता। अगर हम आज के दिन भी इसी बात पर लड़ रहे हैं कि यहाँ पर मतलब राम पैदा हुए थे, अब वे कैसे पैदा हुए थे? पहले तो आप ये मानिए कि वो जैसे हिंदी में इतिहास पुरुष कहते हैं, कि मतलब जैसे गुरु नानक पैदा हुए थे, हमें मालूम है, हमारे सामने उसके सबूत हैं कि पैदा हुए, शिरडी साई बाबा पैदा हुआ, हजरत निजामुद्दीन औलिया साहब पैदा हुए, ठीक है ना? या तो हम माने, बताइए हमें कि वाकई पैदा हुए थे। और अगर हम इसी में ही उलझे रहे कि वो तो भगवान का दर्जा है, विष्णु का अवतार है, उधर से ये मंदिर नहीं मतलब ये मस्जिद ही बनी रहनी चाहिए, और जब मीर बाकी ने बनाई थी मस्जिद 1528 में तो ऊपर सीता पाक लिखा हुआ था, मैंने जाकर देखा था, मैंने कुछ शूट करी थी, वो एक एक कोना मैंने शूट किया था उस मस्जिद का, तो जो वहाँ उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग छोटा सा किस्सा एक डेविएशन में कर रहा हूँ आपको, ये इंटरेस्टिंग बातें ये होती हैं कि जब वो रखे गए मूर्तियाँ रखी गई रात को, तो अभिराम दास नाम के एक साहब थे जिन्होंने रखी थी। अभिराम दास अयोध्या में हिस्ट्री शीटर भी थे, तो उस जमाने में जो ताले होते थे, मैं नहीं जानता आप इस बात से वाकिफ हैं या नहीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो ताले होते थे आप सबने देखे होंगे, उनकी जो चाबियाँ होती थी वो चूड़ी वाली होती थी, ऐसे वाले, तो जो चोर लोग होते थे वो चाबी बनाने के लिए कच्चे बांस का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि वो इतना सख्त भी नहीं है कि बन ना सके चाबी उससे, हाँ, और वो इतना नरम भी नहीं है कि मतलब चाबी ना बन सके, कच्चे बांस का। तो अभिराम दास ने कच्चे बांस से चाबी बनाई, रात को खोला ताला, और दो कांस्टेबल थे वहां पर, अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ तो मुझे प्लीज रोक दीजिए, उसमें तरमीम कर दीजिए अगर मैं गलती कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ जो मुझे मालूम है, ठीक है? तो एक मुसलमान कांस्टेबल था, एक हिंदू कांस्टेबल था। हिंदू कांस्टेबल की जो FIR थी उसके मुताबिक आधी रात का वक्त था, अचानक हो हल्ला करते हुए बहुत से लोग उस जगह आ गए, जिसे बाबरी मस्जिद राम जन्म स्थान कहते हैं, ये FIR है कोर्ट का नाम, और उस धक्का मुक्की में मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो हिंदुओं के मुकद्दस रामचंद्र जी और साथ में और कौन है सीता जी हैं जो भी उनके किस किस के रखे हैं मुझे याद नहीं है, उनके बुत वहाँ रखे हुए थे।
जो हिंदू कांस्टेबल था उसकी एफआईआर कहती है कि अर्धरात्रि का समय था, अचानक वो जगह जिसे राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद कहते हैं वहां घंटे घड़ियाल बजने लगे और रामलला प्रकट हुए, ठीक है, और उनकी अलौकिक छटा देखकर मैं मूर्छित हो गया। मुसलमान बेहोश हुआ था कांस्टेबल, ये हिंदू कांस्टेबल मूर्छित हो गया। ये दरारें देखिए कैसे आती हैं जुबान को लेकर भी, कि अलामत की मैं बातें कर रहा था कि अलामतें ही सिर्फ, मैं वापस आऊंगा अपनी इस बात पर अलामत की बात पर। तो ये दो एफआईआर दर्ज की गई, मैं मूर्छित हो गया। जब मुझे मेरी मूर्छा टूटी तो रामलला विराजमान थे। ये सब आपको पढ़ने को मिलेगा। एक साहब हैं शीतला सिंह, वो फैजाबाद से एक अखबार निकालते हैं जन मोर्चा नाम का, उनकी किताब आ रही है। वो हर नेगोशिएशन में वो शामिल हुए कि अगर वनडे बाबरी मस्जिद कमेटी इतने लोगों को लेकर मीटिंग कर रही है तो ये जो हिंदुओं के संगठन हैं वो नेगोशिएट कर रहे हैं कि हम इतने लोगों की करेंगे। वे प्रशासन कैसे उनको करें कि नहीं इतने लोगों की नहीं, आप इतने लोगों की मीटिंग कीजिए। उन्होंने एक एक चीज़ डॉक्यूमेंट करी है जो भी किताब में आने वाली है शीतला सिंह जी की। तो ये उन्होंने मेरे नोट्स कुछ भेजे थे, उनसे मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो अलामत की जहाँ तक बात आती है, सबसे पहली बात तो यही है कि अभी मेरी मर्जी है भाई, मैं जो मर्जी लुक से कहते हैं अंग्रेजी में या कैसे जैसा देखना चाहूँ, ये मेरी मर्जी है। मुझ पर ये थोपने वाला कोई कौन होता है क्योंकि तुम मुसलमान नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, सिख नहीं हो, पारसी नहीं हो, इसलिए तुम हिंदू हो और हिंदू होने के लिए तिलक लगाना जरूरी है, भगवा रंग तुम्हारा है, हरा रंग मुसलमानों का है। ये जो स्टीरियोटाइप हम कर रहे हैं इस वक्त, आज के दिन सबसे बड़ा खतरा यही है। अब मैं आता हूँ उस मौजू पर जिस पर बात करनी है, उस टॉपिक पर जिस पर बात करनी है कि माइनॉरिटीज़ जो हमारी है, माइनॉरिटीज़ जब मैं कहता हूँ, मैं सिखों को नहीं गिनता हूँ उसमें, ना मैं पारसियों को गिनता हूँ और ना मैं क्रिश्चियंस को गिनता हूँ कुछ हद तक। माइनॉरिटीज़ से हमारा मतलब ही मुराद ही मुसलमान होते हैं। तो उनका मुस्तकबिल क्या है? पहली बात तो ये है, उनका मुस्तकबिल इस बात में है कि जो कुछ उन्होंने हमें दिया है 711 ईस्वी से इस पूरे बरसगीर में, इस पूरे मुल्क को, इस पूरे इलाके को, उसका जवाब नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन चीजें, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो मौसीकी हो, चाहे वो ज्ञान हो, सोच हो, सोचने वाले हो, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग पैदा हुए हैं। तो ये कहना कि ये मुल्क मेरा है, आप भी हमारे साथ रह रहे हैं, ये गलत है। मेरी गुजारिश यही है कि अपने ही मुस्तकबिल के लिए आप हमें हिंदू मत बनाइए। मेरी बात का मर्म समझिए, मेरी बात का जो मर्म है वो समझिए। आप जितना खुद को मुसलमान बनाएंगे आप उतना हमें हिंदू बना रहे हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब ने यही कहा था कि विनोद और पद्मा हैं तो हिंदू, लेकिन उनकी पूरी जो आदतें हैं, उनके जो पूरे लाइफस्टाइल हैं वो मुसलमानों वाले हैं। मैंने कहा वो कौन से होते हैं, हमने हिंदुस्तान में तो देखे नहीं। 1954 में मैं पैदा हुआ, आपकी उम्र से 2 साल ज़्यादा मेरी टेलीविजन की उम्र, 2 साल और 27 नवंबर को 44 साल पूरे किए टेलीविजन के, 3 दिन मतलब 44 साल और 3 दिन। बहरहाल तो तारड़ साहब से मेरा यही कहना था कि आप हमें हिंदू बना रहे हैं। सिखों से मेरा यही कहना है अपने सिख दोस्तों से कि आप हमें हिंदू बना रहे हो। और हम में से जब मैं हम कहता हूँ कि क्योंकि मैं मुसलमान नहीं हूँ, क्योंकि मैं सिख नहीं हूँ, क्योंकि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, इसलिए बाई डिफॉल्ट मैं हिंदू हूँ। हालांकि मेरे रिवाज अलग अलग रहे। जब मैं आसाम जाता हूँ कामाख्या देवी के मंदिर में, वहाँ मुझे तबर्रुक में प्रसाद में बकरा मिलता है, बकरे का मीट जो पुरोहित तैयार करता है। मैं इधर वैष्णो देवी जाता हूँ जम्मू, वहाँ राजमा चावल मिलते हैं, वहाँ बिल्कुल वैष्णव खाना होगा। अभी हिंदू क्या है? इट हैज बीन ए वे ऑफ लाइफ। आप जितना कट्टर होगे, मैं अपने सिख दोस्तों से भी कहता हूँ, आप जितना कट्टर होगे मुसलमान दोस्तों से भी कहता हूँ,
उतना आप हमें हिंदू बना रहे हो, जबकि पिछले चुनाव में, अब मैं इलेक्शन से इसको जोड़ रहा हूँ, सिर्फ 31% वोट मिले थे मौजूदा सरकार को, 31 में से भी 12% इनके हैं, 11 या 12% जो उनके कमिटेड वोट हैं, बाकी 1.5 साल का जो पॉलिसी पैरालिसिस था वो था। एक पूरा मतलब कांग्रेसी जो हैं उनके तो जैसे हमारे हमारी जुबान में कहते हैं कि हड्डियां हराम हो जाए जब काम ना करना चाहे कोई, हाँ उनका तो वो हाल हो गया था कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी के बाद से जितने भी कांग्रेसी आए, गुलाम नबी आज़ाद से लेकर और कमलनाथ से होते हुए और अहमद पटेल से होते हुए और मैं नाम ले रहा हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये आनंद शर्मा से होते हुए और जो जो भी आए, मतलब इन्होंने कोई कभी क्राइसिस नहीं देखा है जिंदगी में, इन सब के पेट भी भरे हुए हैं, इन्होंने सरकारें चलाई हैं, ये कभी जेल भी नहीं गए हैं, किसी एजिटेशन में शामिल नहीं हुए हैं, और बिल्कुल इन्हीं की तर्ज पे बीजेपी के नए नेता आए हैं, चाहे वो अरुण जेटली हो, चाहे वो नितिन गडकरी हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज हो, इनके पास ले देकर, जैसे ये जिन कांग्रेसियों का मैंने नाम लिया, इनके जो पहली पीढ़ी थी पंडित नेहरू वाली पीढ़ी, उनके पास था एक फ्रीडम स्ट्रगल था जंग आजादी थी, वो लड़ी उन्होंने, उसी का इन्होंने खाया। इनके पास ये जो जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये गडकरी वगैरह और ये जेटली वगैरह, इनके पास फ्रीडम स्ट्रगल नहीं था, तो लिहाजा इन्होंने इमरजेंसी को ही इतना बड़ा बनाया कि ये हम इसको फ्रीडम स्ट्रगल के बरक्स ले आए, वरना इनके भी इतिहास में, इनकी भी हिस्ट्री में कोई त्याग हो या कोई कुर्बानी हो या कोई जिंदगी की बेहतरीन साल जेलों में बिताए हों या कोई लाठी गोली, मैं नहीं कहता कि ये जरूरी शर्त है एजिटेशन करने की, हम मतलब जो बेहतरीन जमहूरियात होती हैं उसकी निशानी ये भी होती है कि अगर मैं मुंह पर पट्टी बांध करके खड़ा हो जाऊं, एक भी नागरिक मेरी बात सुनी जानी चाहिए, मुझे माना जाना चाहिए, लेकिन इनकी बात अगर हम देखें तो इन लोगों ने जहां जहां पर भी ये हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चार कहते हैं कि अपने धर्म को मानो जो सब मानते हैं, अर्थ माने पैसा कमाओ, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते नहीं है, नियम कानून को नहीं मानने ये सही नहीं है, मुझे एक मैं दरअसल धीरू भाई अंबानी को बड़ी अच्छी तरह से जानता था, जब भी बॉम्बे कभी जाना होता था तो मैं उनके साथ मैं ड्रिंक लिया करता था विस्की, तो उनकी आदत थी कि वो विस्की के साथ वो कच्ची हरी मिर्च खाते थे ऐसे तोड़ के फिर विस्की, तो वो उनका अक्सर ये कहना होता था कि मैंने वो रूल तोड़े हैं, मैंने वो नियम तोड़े हैं, मैंने वो कानून तोड़े हैं जो तोड़ने के लायक थे, तो मेरा ये कहना था ये तो अपने आप में बहुत ही कन्वीनियंट किस्म का आर्ग्यूमेंट है, बहुत ही कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट है कि मैंने तो वो रूल तोड़े हैं जो तोड़ने के काबिल थे। तो बिल्कुल यही जब अर्थ की बात आती है तो इनका भी यही कहना है कि हम तो वो रूल तोड़ते हैं जो मतलब तोड़ने के काबिल है, 33% इनकम टैक्स क्यों, मैं मानता हूँ क्यों, 30% क्यों, लेकिन उसके नाम पर आप इकट्ठा करते जाए करते जाए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, काम हुआ हिंदी में मतलब सेक्स को बोलते हैं, जिसका मकसद ये बताया गया कि इंसानी जात आगे बढ़ते रहे, और फिर उसके बाद मोक्ष। अब क्योंकि आप नियम कानून तोड़ रहे हैं, क्योंकि आप इतने ताकतवर, सबके सब इतने ताकतवर नहीं होते, इसलिए हिंदुस्तान में मुझे कभी कभी लगता है कि जो जिसे हम भ्रष्टाचार बोलते हैं, करप्शन बोलते हैं, दिस इज टैसिटली अंडरस्टूड, टैसिटली अंडरस्टूड, जिसे कहा नहीं गया लेकिन समझा जाता है, अनस्टेटेड स्टेट पॉलिसी कि लोअर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में करप्शन होने दो, करने दो उनको, छोटी मोटी करप्शन में मुबतला रहने दो उनको, छोटी छोटी चीज के लिए इनको नेगोशिएट करने दो जिंदगी से, चाहे वो पानी का कनेक्शन हो, चाहे वो बिजली का कनेक्शन हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो मतलब जो चीजें बाकी के देश हैं यूरोप के, जहां मानकर चला जाता है कि ये तो सरकार का काम है ही,
उसके लिए, हाँ उसके लिए भी इनकी जिंदगी ऐसी बनाओ कि नेगोशिएट करते रहे सारी उम्र। उसके अलावा छोटी मोटी करप्शन इनको करने दो। मुझे याद नहीं है मैं कौन सा गैजेटियर था, मैं गैजेटियर ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, उसमें डीएसपी से नीचे के लोगों को अंग्रेजों ने इजाजत दे रखी थी कि आप होली दिवाली, होली नहीं दिवाली ईद क्रिसमस वगैरह पर आप डीएसपी से नीचे आप तोहफे कबूल कर सकते हैं, लेकिन डीएसपी से ऊपर क्योंकि वो अंग्रेज होते थे आप सिर्फ फूल फ्लावर्स ले सकते। तो जो आम हिंदुस्तानी है, जो लोअर मिडिल क्लास से है, जो मिडिल क्लास से है, जो मिडिल से अपर मिडिल जाना चाहता है, उसकी तो सारी जिंदगी इसी में बीत जाती है, छोटी छोटी चीजों को नेगोशिएट करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, बच्चे के स्कूल की एडमिशन के लिए, लाइसेंस के लिए गाड़ी चलाने के, बिजली का कनेक्शन, थोड़ी सी घर की दीवार ठीक करनी हो या कुछ करना हो उसके, उसी में म्यूनिसिपैलिटी से लड़ते रहिए। अब जब आपने पूरा का पूरा विधान ही ऐसा बना दिया, सिस्टम ही ऐसा बना दिया है, तो ये तो अंग्रेजों का बनाया हुआ सिस्टम है। अब इसके लिए हम नेहरू जी की भी तारीफ क्यों करें, उनके बाद जो आए उन्होंने इसमें कोई तब्दीली नहीं लाए, उनकी भी तारीफ क्यों की जाए। उनके बाद जो आए हैं जो मौजूदा निज़ाम हमारा चला रहे हैं, वो पहले चलिए कुछ आँख की शर्म थी, कुछ औरों का काम भी कर देते थे लोग, ये लोग तो बिल्कुल ही ब्रेजन बेहयाई से काम हो रहा है जो हो रहा है। तो अपनी जमीन ना छोड़ना ये भी जरूरी होता है, उसके लिए जरूरी ये भी है कि पहचान क्या हो। मुझे नहीं लगता कि मेरी पहचान हिंदू है, मुझे जो सिर्फ कोई हिंदू कहता है तो मुझे एतराज होता है, इसका मतलब मेरी जिंदगी से क्या क्या निकल गया, मुझे उसका दुख होता है, मुझे उसकी खौफ आता है कि मेरी जिंदगी से मतलब उर्दू पोएट्री निकल गई क्योंकि उर्दू को मुसलमानों की जुबान बना दिया, मेरी जिंदगी से ये फलां खाना निकल गया क्योंकि उसको मुसलमान का खाना बना दिया, मेरी जिंदगी से ये पोशाक निकल गई, मैं शेरवानी नहीं पहन सकता। और ऊपर से अगर कहा जाए कि नहीं आप धोती पहनिए, आप तिलक लगाइए, आप भगवा पहनिए, आप ये करिए, क्यों? क्योंकि अक्सरियत हमारी है, मेजोरिटेरियनिज्म बाहुल्यवाद हमारा, तो मुझे और भी गुस्सा आता है। तो जरूरी ये है सबसे पहले मैं भी ये जानना चाहूंगा, बाकी सवाल जवाब जो होंगे मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं है, कि आप सिखों को सिख मत बनाइए, हमें हिंदू मत बनाइए, अपनी जगह क्लेम कीजिए। ये मुल्क हिंदुस्तान जो बहुत ही खूबसूरत मुल्क भी है एक लेवल पे, और एक लेवल पे एक निहायत ही ऐसा मुल्क भी है कि जहां बुनियादी जिंदगी जीना भी मुश्किल है। अपना अपना स्पेस जो है ना वो छोड़िए मत, अपने आप को माइनॉरिटी मानकर। आप अगर सिर्फ खुद को एक कम्युनिटी मानते हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी है, तो ये भी आप अपना जमीन छोड़ रहे हैं, अपनी स्पेस छोड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा दखल है आपकी जिंदगी में, दखल अंदाजी तो नहीं कहूंगा, दखल है आपकी जिंदगी में, आपका दखल है मेरी जिंदगी में, आप और मैं हैं कौन, एक ही हैं। जैसे कोई पाकिस्तान वाली बात हो गई, मैं वही जुबान बोलता हूँ, वही खाना खाता हूँ, मेरा हिंदुस्तान तो शुरू होता है कंधार से लेकर और बैंकॉक तक जाता है, उससे भी आगे जाता है, ब्रुनेई तक जाता है, ये मेरा हिंदुस्तान है। इसमें मुझे क्यों कहा जाए कि आप अपने आप को महदूद रखिए सिर्फ एक खास पहनावे तक, एक खास सोच तक, सिर्फ एक वोट बैंक बनकर रह जाइए। और क्योंकि पूरी दुनिया में 56 ममालिक ऐसे हैं जहाँ इस्लाम है, इसलिए कम से कम एक मुल्क तो होना चाहिए। अरे यहाँ तो मतलब कभी सोचा भी नहीं गया था, कभी सोचा ही नहीं था, हमने तो बचपन में इस तरह की हमारी तरबियत रही। मुझे याद है मेरे वालिद साहब बैंक में काम करते थे तो LTC मिला करते थे, लीव ट्रैवल कंसेशन होता था, आप साल में अपने परिवार को लेकर एक दफे घुमा लेंगे, तो हमें घुमाने ले गए थे, बॉम्बे ले गए थे, हमारी मौसी रहती थी वहाँ पे, तो फ्रंटियर मेल चलती थी उन्हें ना, अभी भी चलती होगी, दिल्ली से आगरा वगैरह होते होते जाती थी। तो वापसी पे हम आगरा भी रुके थे, ताजमहल देखा था, तो वो एक वो कुम्हार वहाँ
सुराहियाँ मटके वगैरह बना रहे थे, तो मेरे फादर ने कहा, मेरे डैडी बोलते थे, मेरे डैडी ने उनसे कहा भैया पानी पिला दो, प्यास लगी थी उनको, बोले बाबू जी हम मुसलमान हैं, तो उनके मुंह से निकला इंसान तो हो, अब ये तरबियत थी हमारी शुरू से ही, इंसान तो हो, बचपन में ये सिखा दिया, एतायरे लाहूती उस रिस्क से मौत अच्छी, जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही, अभी कैसी तरबियत दे दी हमें, जहाँ हमारे साथ के लोग जो हमारे दफ्तरों में काम करते थे, आज के दिन हजारों करोड़ों के मालिक हैं, उन पर केसेस भी हैं, और उनकी आधी जिंदगी इसी में ही बीत रही है कि किस तरह से इसको भी संभालें उसको भी संभालें, वहाँ ये तरबियत दे दी है, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाह मत करो, हाँ तू अगर खुददार है मिन्नत कशे साकी ना हो, ऐन दरिया में हवा बासा ना हूँ पैमाना कर, कैफियत बाकी पुराने कोह सहरा में नहीं है, जुनू तेरा नया पैदा नया वीराना कर, अब दिमाग तो खराब होगा ही, खराब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बाकी दिमाग नॉर्मल कहे जाते हैं हमें तो उनके वो खराब लगते करे हैं, इतना सब कुछ होते हुए भी तुम खुद को सिर्फ इस इदारे में या इस मुआशरे में महदूद रखना चाहते हो, फिर तुम्हारी गलती है, तुम्हारी बदकिस्मती है ये, तो मैं तो यही कहूँगा साहब कि जैसा हमने हिंदुस्तान देखा है अपने बचपन से, ये मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ जो मैंने कल भी कही थी कि हजारों साल हम रियाया बने रहे, प्रजा बने रहे राजे रजवाड़ों की, सम्राट राजा चक्रवर्ती सम्राट राम राज्य, लेकिन हम रियाया थे। फिर 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम बरसगीर खाना हुआ, फिर हमने बादशाहत भी देखी, नवाब भी देखे, लेकिन राजे रजवाड़ों और नवाबों में कोई फर्क नहीं था, उसी तरह चक्रवर्ती सम्राट और शहनशाहों में कोई फर्क नहीं था, अगर हम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को छोड़ दें तो ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं था। हम रियाया बने रहे 1857 तक, गुलाम हम उसके बाद बने जब अंग्रेज आया, उससे पहले हम गुलाम नहीं थे, हम प्रजा थे, हमें किसी मुगल ने या किसी लोधी ने या किसी शर्की ने जौनपुर में या किसी भी मतलब डायनेस्टी ने या डाउन साउथ हम नीचे जाए वहां के जितने भी राजे थे, राजा चौड़ा थे वहां पे विजयनगरम का जो पूरा था, किसी भी ने हमें गुलाम नहीं बनाया था, रियाया प्रजा बनाया था, बेशक हम प्रजा थे, जैसे यहाँ पर है इस मुल्क में है, मैंने देखा है लोग अपने शेख को बहुत पसंद करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आज बात हो रही थी, मैं फिर दूसरी जगह जा रहा हूँ वापस आ जाऊँगा, आज बात हो रही थी कि मतलब ये किंगशिप होती है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है कि सबसे ऊपर अल्लाह या गॉड या अकाल पुरख, ठीक है, उसके बाद उनके प्रॉफेट हजरत मोहम्मद साहब जीसस क्राइस्ट, ठीक है, सिखों में अकाल पुरख के बाद 10 गुरु आए पहले, फिर उसके बाद गुरु गोबिंद सिंह ने कहा कि नहीं इसको डेमोक्रेटाइज करो, ये जो गुरु ग्रंथ साहब है किताब है यही गुरु है, गुरु माने हो ग्रंथ ये कहा था, उसके बाद मतलब पहले गॉड फिर उनके प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद किताब, ये हम सब जानते हैं रिलीजन ऑफ द बुक जिसे हम कहते हैं, चाहे कुरान शरीफ हो बाइबल हो गुरु ग्रंथ साहब हो जेंडा वेस्टा हो, इसलिए मैं कहता हूं कि हमें हिंदू मत बनाइए वरना हम पर थोप दिया जाएगा कि महाभारत और रामायण तुम्हारी किताबें हैं, जैसे बाइबल और कुरान मतलब है, महाभारत कुरान तो महाभारत रामायण तो दो किताबें हैं, यहाँ तो 25 पता नहीं सैकड़ों किताबें हैं, गीता प्रेस गोरखपुर उन्होंने सैकड़ों किताबें छापी हैं, शिव पुराण भी छापा है, पता नहीं कौन कौन से छाप रखा है, तो ये तो मूल ये तो हम तो लोग ही ऐसे हैं,
मेरे जुनून का है मौजज़ा जहाँ आपने सर को झुका दिया। मैं पेड़ पे धागा बांध देता हूँ, एक तिलक लगा देता हूँ, अकेला हूँ, मेरे साथ कोई इकट्ठ नहीं है, माथा टेक देता हूँ, वही मेरा मंदिर हो जाता है। ठीक है ना? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो किंगशिप का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि पहले अल्लाह गॉड, उसके बाद उनके प्रॉफिट, उसके बाद उनकी किताब, उसके बाद जो गॉड हैं उनके नुमाइंदे, वो है राजा या बादशाह, उनके साथ साथ हैं मंदिर, उनका चर्च, मस्जिद, मंदिर तो घर बाद में छोड़िए उसको, उनका चर्च, उनकी मस्जिद, उनका वो, फिर हैं अलामतें, और जो राजा होता है, जो सही राजा होता है, सही बादशाह होता है, सही शेख होता है, वो ये मानकर चलता है, अच्छी नस्लों की पहचान यही होती है जो रूलिंग क्लासेस होती हैं, कि भाई जैसे किसी को ड्राइवर का काम मिला है इस दुनिया में, तुम्हें ये काम दिया गया है कि जो तुम्हारी दियाया है, जो तुम्हारी प्रजा है, क्योंकि राजा के लिए प्रजा का होना जरूरी है, यहाँ वोट नहीं होता, जो तुम्हारी दियाया है तुम उसकी जिंदगी बेहतर बनाओ, तुम्हारे जिंदगी का मकसद ये है, तुम्हारी जिंदगी का मतलब जुल्म करना नहीं है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ अपना घर भरते जाओ, लोगों को भूखा रखो, तो जब कोई अकाल पड़े या कोई फेमीन आए तब तुम अपने महल या कुछ बनाने शुरू कर दो, जैसे राजस्थान में राजे रजवाड़े जितने भी थे उनके वो किला बनवाना शुरू कर देते, उसका एक्सटेंशन, लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा बनवाना शुरू कर दिया आसिफुद्दौला साहब ने, कि जब भी ड्राफ्ट कोई मतलब इस तरह का अकाल पड़े या कोई फेमीन वगैरह हो तो जिसको ना दे मौला उसको आसिफुद्दौला बिल्डिंग बनाते जाओ, जहाँ में जहाँ तक जगह पाई है इमारत बनाते चले जाइए, ये भी उनका ही कहना था। और फूड फॉर प्रोग्राम जैसे होता है ना, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, उस दिन से शुरू कर दीजिए। तो राजा का फर्ज ये नहीं है, राजा का फर्ज है कि लोग अपनी जगह पर अपने अपने पाँव पर खड़े हो सके। अगर इस मुल्क में हिंदुस्तान से यहाँ अपने पाँव पर खड़े होने के लिए आप लोग आए हैं तो यकीनन उस मुल्क में कुछ ना कुछ समस्या है जहाँ से आप आए, जो आपका अपना मुल्क है। आप तो फिर भी यहाँ पर आए, आप कल्पना कीजिए बिहार की जो आधी से ज्यादा इकोनॉमी है वो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, हर घर के एक एक दो दो बेटे बाहर हैं, मनी ऑर्डर भेजते हैं, वो सर्विस प्रोवाइडर है अगर हिंदुस्तान में ही है, कोई ड्राइवर है, कोई राजमिस्त्री है, कोई या गल्फ में भी ऐसे होता है जो जो मतलब, इसका मतलब हमारे मुल्क में कोई दिक्कत है ना जो लोग यहाँ पर आते हैं, बावजूद इसके कि हमारे पास वोट है, हम अपनी सरकार चुनते हैं, अगर हमारे एमएलए हमारे कॉरपोरेटर छोटे मोटे राजे रजवाड़े की तरह बिहेव करते हैं, बात करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर वो अंदर आए सफेद कुर्ते पजामे में हम सब खड़े हो जाए, क्यों खड़े हो जाए भाई, क्यों खड़े हो जाए? किसी के ओहदे के लिए खड़ा होना मुझे आज तक समझ में नहीं आया। मेरे दिल में इज्जत होगी, मैं आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा, आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन क्यों? क्योंकि आप सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसलिए खड़ा हो जाऊं ना, मुझे समझ में नहीं आता। हिंदुस्तान में मुझे सिर्फ अपने झंडे के लिए खड़ा होना है, और जब मेरा नेशनल एंथम बजता है उसके लिए खड़ा होना है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन। कोई प्रधानमंत्री हो, प्रधान सेवक हो, कोई मंत्री हो, कोई एमएलए एमपी, बिल्कुल खड़े होने की मुझे जरूरत नहीं है, आंखों में आंखें डाल के उससे इस ढंग से बात करने की जरूरत है कि आप मेरे सर्विस प्रोवाइडर हैं, आप मुझे अच्छी सर्विस दे रहे हैं, मैं आपको बिल दे रहा हूँ, मैं एयरटेल इस्तेमाल करता हूँ, सुनील भारती मित्तल जो एयरटेल वाले वो अंदर आ जाए तो मैं खड़ा हूँ उनके गले में हार डालूंगा क्या? मैं पैसे दे रहा हूँ यार, मैं तुम्हें टैक्स दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना वोट दे रहा हूँ, भरोसा दे रहा हूँ, तुम काम करो। जिस दिन ये बात हमें आ गई हम नागरिक बन जाएंगे, रियाया से वो मुझे दिखता नहीं है, क्यों? हमें बांट दिया गया है बड़ी बुरी तरह से, और भी कोशिश जारी है, तो इसके लिए जरूरी है। अगर वापस उसी विषय पर आते हुए, माइनॉरिटीज का मुस्तकबिल क्या है, भविष्य क्या है, फ्यूचर क्या है, सबसे पहली बात तो ये, सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी पहचान सिर्फ मजहब से मत देखिए, इंडियननेस से देखिए, भारतीयता से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से देखिए, अपनी जगह, अपनी जगह जो आपकी है वो क्लेम कीजिए। हिम्मत कैसे होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, एक
खास माइनॉरिटी को एक भी टिकट ना दे, वो चाहे वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में, हिम्मत कैसे होती है? मतलब यहां तो मजबूरी का आलम है कि हम मजबूर हैं, हमें एक भी टिकट नहीं मिलती। हम कह रहे हैं कि हम उस स्टेट ऑफ माइंड में आने की हिम्मत कैसे हुई उनकी, इतने लोग हैं, हम 16 करोड़ हैं, 19 हैं या 14 हैं, जितने भी हैं, हमारे लिए टिकट नहीं, ये ऐसा हुआ कैसे? तो यू हैव टू क्लेम योर स्पेस, और आप सिर्फ मजहबी पहचान पर वो स्पेस क्लेम नहीं कर सकते। ये मुल्क उतना भी, ये सारा मुल्क उतना ही आपका है जितना किसी और का है, चाहे वो कुछ नजरों में नंबर्स में ज्यादा हो। तो मेरा तो यही कहना है कि जंग थोड़ी लंबी है, बच्चों को जो तरबियत है उस पर सब कुछ मुनसर करता है कि हम उनको क्या सिखाते हैं। अगर हमने बचपन से सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान सुना है तो है, और सारे जहां से अच्छा नहीं भी है बहुत जगह पर। तो पहचान जो है, हमारी आइडेंटिटी जो है, वो सिर्फ मजहब पर नहीं होनी चाहिए, या मेरी आइडेंटिटी सिर्फ इस पर नहीं होनी चाहिए कि मैं टेलीविजन में सहाफी हूं, मैं सहाफी हूं जी, या ये डॉक्टर है, नहीं, या ये तमिल, मेरी वाइफ तमिल है वैसे, तो ये तमिल है जी, इनकी पहचान सिर्फ तमिल है, तमिलनाडु से ना। हम जब तक भारतीयता के छाते को मंजूर नहीं करेंगे, मेरी भारतीयता के छाते में कंधार से लेकर बैंकॉक तक लोग आते हैं, मैं उसमें बिहारी भी बन के रह सकता हूँ, मैं उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय मुसलमान वैश्य जो भी क्रिश्चियन बन के रह सकता हूँ, जब तक मैं भारतीयता का छाता कबूल करूँ, और भारतीयता के छाते में जो मेरी जगह है, मैं किसी को ना लेने दूँ, एतराज कर, मेरा सिर्फ इतना कहना है। बहुत ही इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह का हिंदुस्तान हमने देखा है, जिसमें हम बड़े हुए हैं, मुझे इस वक्त याद आ रही मदद अली नकवी, मेरे दोस्त, बहुत अरसा हो गया, वो DCM में काम करते थे, उनकी रामलीला बड़ी मशहूर हुआ करती थी, सालों साल वो राम का रोल करते रहे, कभी फर्क ही नहीं पता था हमें, किसी ने पूछा ही नहीं था, ये भी कोई अजूबा नहीं था कि राम का रोल मदद अली नकवी कर रहे हैं, ये भी कोई अजूबा नहीं था, इट वॉज एक्सेप्टेड, ठीक है राम का रोल तो वही करेंगे क्योंकि सबसे बेहतर वो करते। तो मैं वही आपसे अर्ज करना चाहता हूँ कि अब इलेक्शन भी आ रहे हैं, अभी और पोलराइजेशन की कोशिश की जाएगी, जो नफरत की जो सियासत है, मुझे नहीं लगता कि वो जीत पाएगी, क्योंकि भी जीती नहीं है, होता है अच्छी सड़क चल रही है, बीच में एक आध किलोमीटर बन भी रही होती है या खराब भी होती है, ये वो दौर है, ये भी जीत जाएगा। अगर मैं आपके सवालों का कोई जवाब दे सकूं, सर एक और रिक्वेस्ट थी, मजमा फ्रॉड वाला जो था उसको बोल रहे हैं आप, प्लीज बिल्कुल नहीं, ये मेरे जहन में ऐसा हुआ था जी कि मैंने पंडित नेहरू की स्पीचेस सुनी, गांधी जी की भी स्पीचेस सुनी, उनके भी भाषण सुने मैंने, मैंने कभी नहीं देखा कि उस दौर के जो नेता थे। हाँ एक बात मैं और कहनी भूल गया, आपने जिस दिन आप उतनी ही मकबूलियत या एक्सेप्टेंस या रिस्पेक्ट तो है ही, मतलब आप मौलाना अबुल कलाम आजाद को वैसे ही मंजूर करेंगे जैसे आप सर सैयद अहमद खान साहब को करते हैं, आपसे भारत का कोई भी हिस्सा कोई भी छीन नहीं सकता। ये मैं कहना, हमने उनको भुला दिया है, हमने उनको सिर्फ मतलब अच्छा मुसलमान नहीं माना या कुछ जो भी हो, वजवा जो भी रहे हो, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ उनके बारे में, लेकिन हमारे तालीम की जिम्मेदारी उनकी है। पंडित नेहरू का नाम लोग लेते हैं लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर वो थे हमारे, ये जितने भी हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बने हैं, मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, हमारे IITs बनी हैं, हमारी यूनिवर्सिटीज बनी हैं, ये सब उनकी देन है। मेरी वाइफ डॉक्टर हैं, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से पढ़ी हैं, साल की फीस आपकी 230 रुपये थी, 250 रुपया साल, हालांकि खर्चा इन पर कम से कम तो 2-3 हज़ार रुपया उस दौर में या 5 हज़ार रुपया आता होगा, बिल्डिंग का खर्चा, लैब्स का खर्चा, स्टाफ की सैलरी, बिजली, रख रखाव, तो वो कौन दे रहा था? वो आप दे रहे थे, आपके बड़े बुजुर्ग दे रहे थे, पंजाब के लोग दे रहे थे, उड़ीसा के लोग दे रहे थे टैक्स के जरिए,
प्रायोरिटी ये बनाई गई कि इसको तालीम में लगाना है, इसको सरदार पटेल का मुजस्मे में नहीं लगाना है। इस पैसे को जो जनता का पैसा है उसको तालीम में लगाना है। वो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब का काम था, नेहरू साहब का रोल ये था कि उन्हें बिल्कुल वो डेमोक्रेट थे। तो जिस दिन हम ये मान लेंगे कि नेशनलिस्ट मुस्लिम होता है, सिर्फ मुसलमान नहीं होता, एक ऐसा मुसलमान होता है जो पहले भारतीय है फिर कुछ है, एक ऐसा हिंदू होता है जो पहले भारतीय है फिर हिंदू, एक ऐसा क्रिश्चियन होता है जो पहले भारतीय है फिर हिंदू है। अब भारतीयता क्या है? भारतीयता यही है कि हजारों सालों से हम इकट्ठे ही रहते आए हैं, कभी सवाल ही नहीं पूछे हमने, कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि ये भी देखना पड़ेगा कि मतलब अकबर इलाहाबाद को अकबर प्रयागराज ही कहना पड़ेगा। ठीक है, कोई अगर सवाल आपका